खलारी पश्चिमी जिला परिषद सदस्य सरस्वती देवी के खलारी स्थित कार्यालय में ग्रामीणों की बैठक शिबू महली की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जहलीटांड और जामुन दोहर विस्थापन मामले को लेकर खलारी प्रखंड प्रमुख और विश्रामपुर की मुखिया के द्वारा दिए गए बयान की निंदा की गई। इस बयान में प्रमुख और मुखिया ने बाहरी शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर रोष प्रकट किया गया। वहीं सरस्वती देवी ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन को जो 8 सूत्री मांग पत्र दिया गया है, यदि 8 दिनों के अंदर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो जोरदार आंदोलन करते हुए अनशन किया जाएगा। इस मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। 6 साल में हम लोग कोई पूछने नहीं आया, प्रमुख अति पंचायत समिति सब सबको बोला गया कि ये घर तोड़ दिया, हम लोग आप लोग आए, लेकिन कभी आए नहीं लोग। अभी आपको आके हम लोग का आगे आके कोई अगुवाई करता है तो उसको बोलता है ये लोग के बाहरी भीतरी है, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? जो हम लोग को मदद करने के लिए आया है उसी के आगे पीछे हम लोग रहेंगे। तो ये लोग कहते हैं आगे बाहरी है, तो बाहरी का मतलब क्या है? कोई वही आगे हम लोग काम करे तो हम लोग तो उसी के सपोर्ट में रहेंगे ना। बस ग्रामीण के जितने भी जनता हैं, इनको समस्या है तभी अपना प्रतिनिधि को खोज रहे हैं। जब इन्होंने वोट दिया था तो 4 प्रत्याशी को दिए थे, जिसमें बहुत उम्मीद के साथ इन्होंने चुना है हम लोगों को। जितना भी प्रत्याशी को हम लोग जिताए हैं, बहुत उम्मीद के साथ जिताए हैं। जब हम लोग वोट मांगने गए थे घर घर, तो बोलते थे कि आपके साथ आपका हर दुख सुख में कदम से कदम मिला करके चलेंगे। आज हम पूछते हैं कि वो प्रतिनिधि का वादा कहाँ गया? अगर आज सारे प्रतिनिधि एकजुट होकर के और इन गरीब जनता के लिए अगर हम लोग आवाज उठाते हैं, तो क्या इनका जो हक है वो दिलाने के लिए हम लोग कभी पीछे हट सकते हैं? रहा बात की सीसीएल से इन लोगों का समस्या चल रहा है, तो हम लोग सीसीएल का, ये लोग सीसीएल का बस में नहीं है, सीसीएल इनका बस में है। 12 और 13 में जो सीसीएल हर घर को छानबीन करके और एक एक घर को पेपर लिया, इनका मुआवजा का बात किया कि आप लोग घर तोड़ दीजिए, खाली कर दीजिए, बस 2-4 दिन में हम पैसा दे रहे हैं, वो सब कहाँ चला गया? आज अगर ये लोग प्रतिनिधि को खोजते हैं तो वो लोग कहते हैं मेरा घर में मेहमान आया है तो हम समय नहीं दे पाएंगे। अब बात अब मेरे ऊपर आ रहा है कि ये जिला परिषद कौन है, नहीं जानते हैं। तो नहीं जानते हैं तो अब तो उनको जानना पड़ेगा। मेरा नाम शमीम अख्तर है, मैं रशीदन नेसा का बेटा हूँ और हम लोगों का घर टूटे हुए 6 साल हो गया। 6 साल में कोई हम लोगों का पैसा मुआवजा दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया। बहुत जगह दौड़े धूपे, प्रमुख को भी कहा गया, बल्कि इस बार का चुनाव में प्रमुख हम लोगों के घर में आकर के सबसे पहला हम लोगों को यही बात बोला कि भाई तुहिन कर घर टूटल हो, सबसे पहला हमारे प्राथमिकता तुहिन कर मुआवजा दिलवा के रखा। और हम लोग इस लिहाज से उनका मदद भी किए और चुनाव में जीत भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, और वो प्रमुख भी बन गए। लेकिन आज उनको 3 मरतबा हम फ़ोन लगाए, मेरा फ़ोन कभी नहीं रिसीव किए हैं। उनका भाई सामू को भी बोले ये बात, लेकिन आज तक वो कभी मेरा फ़ोन का रिप्लाई नहीं दिए, ना हम लोगों के प्रति कभी सहानुभूति दिखाए, ना कभी आकर के पूछे कि आप लोगों को पेमेंट होगा, दिलवाना है नहीं दिलवाना, कभी कुछ नहीं बोले। आज हमारे जिला परिषद हैं, वो दीदी हम लोगों का हेल्प कर रहे हैं, तो फिर दूसरे को इसमें तकलीफ की क्या बात है? हम लोगों का कोई भी आदमी आकर के हेल्प करे, मजबूर आदमी को कोई भी आकर के हेल्प करेगा तो भाई उसी के साथ खड़ा रहेगा, इसमें बाहरी भीतरी का क्या सवाल है? अब हम लोग को कहेगा बाहरी है तो बाप दादा लोग वैसे ही बीत गया यहाँ हम लोगों का। हम लोग को उस सबसे बाहरी भीतरी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों का जो जायज़ मांग है, जो हक है, हम लोग उसको चाहिए। जो हम लोग का घर 6 साल हो गया टूटे हुए, हम लोगों का मुआवजा नहीं मिला है, हम लोगों को मुआवजा चाहिए, और इससे ज़्यादा और क्या कहेंगे।